पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में नारद जी एक गंधर्व थे। एक बार भगवान ब्रह्मा ने किसी बात पर क्रोधित होकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिससे वे शूद्र दासी के पुत्र हुए। बचपन से ही साधु संतों के साथ रहने के कारण उनमें भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जाग गई। निरंतर भगवान की भक्ति करने से उन्हें एक दिन भगवान की झलक दिखाई दी। शूद्र दासी पुत्र के मन में बार बार भगवान के दर्शन पाने की ललक उत्पन्न होने लगी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। इस घटना के 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। तभी से वे नारायण के वरदान स्वरूप उनकी भक्ति में डूब कर तीनों लोग घूमते रहते हैं। देवर्षि नारद को एक बार अपनी भक्ति पर गर्व हो गया। उसे तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर नगर बसाया और वहां राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया। नारद जी ने जब वहां जाकर राजकुमारी को देखा तो वह मोहित हो गए। भगवान विष्णु का सुंदर रूप लेकर उस राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन स्वयंवर में पहुंचते ही उनका मुंह बंदर जैसा हो गया। राजकुमारी ने जब उन्हें देखा तो बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु राजा के रूप में आए राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेके आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर नारद के श्राप को सिद्ध किया है। जय श्री कृष्ण।